राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम जगदीश चंद्र बोस। नवंबर 1858 को भगवान चंद्र बोस के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा जगदीश चंद्र। भगवान चंद्र बोस डिप्टी कलेक्टर थे, एक ऊंचे सरकारी अफसर, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने अपने गांव की पाठशाला में पढ़ाया। भगवान चंद्र बोस की पत्नी बड़ी धार्मिक महिला थी, पेड़ पौधों के प्रति भी उनके मन में बड़ी करुणा थी। तुम हमेशा मुझे पत्ते तोड़ने से रोकती क्यों? जगदीश, बेटे पौधों में प्राण होते हैं, उन्हें दर्द होता है जैसे तुम्हें होता है ना। पौधों में प्राण होते हैं तो वो बोलते क्यों नहीं? बोलते हैं बेटे, पौधे भी बोलते हैं, बस हम उन्हें सुन नहीं पाते। पौधे भी तुम्हारी तरह हंसते हैं, रोते हैं, उन्हें दर्द होता है, दुख और खुशी भी होती है। पर माँ, मैं तो पौधों के आंसू नहीं देख पाता। देखोगे बेटा, किसी दिन तुम पौधों के आंसू और हंसी सब देख सकोगे। पिता भगवान चंद्र बोस की वैज्ञानिक दृष्टि और माँ के मन की करुणा के बीच पलते बढ़ते जगदीश ने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। 1880 में वो इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन शवों की चीरफाड़ उन्हें पसंद नहीं आई। एक साल बाद ही उन्होंने प्रकृति विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी। 1885 में वो लंदन विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री लेकर भारत लौटे। उन्हें कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। एक दिन, वेल मिस्टर बोस, तुमको कुछ और पूछने को मांगता? सर, मैं कुछ पूछना नहीं, कहना चाहता। ओहो, वेल वेल, कहिए। मैंने पाया कि मेरी तनख्वाह मेरे यूरोपियन सहकर्मियों से बहुत कम है। मिस्टर बोस, दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति होता। Don't you know, Indian professors को British या European लोगों की तनख्वाह का 2/3 only, 2/3 मिलने को सकता। और अभी तो तुम temporary होता, तुम्हारा तनख्वाह उससे बस आधा होने को सकता। You understand? लेकिन सर, मैं छात्रों को उतनी ही अच्छी तरह पढ़ाता हूँ जितनी अच्छी तरह से बाकी प्रोफेसर पढ़ाते हैं। ऐसे में मेरा विश्वास है कि मुझे भी पूरी तनख्वाह पाने का हक है। मुझे भी बाकी प्रोफेसरों जितनी तनख्वाह मिलनी ही चाहिए। Oh, well, Mr. Boss, if you don't get that, अगर तुमको पूरा तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो तुम क्या करेगा? विरोध। विरोध? That means a protest. Oh, but how? मैं अपना काम पूरा करूंगा, लेकिन तनख्वाह नहीं लूंगा। What? साल तक जगदीश चंद्र बोस बिना तनख्वाह लिए पढ़ाते रहे। आखिर प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें पूरी तनख्वाह देना मंजूर किया। 3 साल की पूरी तनख्वाह उन्हें दे दी गई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रयोगशाला नहीं थी, बोस को अपनी निजी प्रयोगशाला बनवानी पड़ी। उन्होंने हार नहीं मानी और अपना शोध कार्य जारी रखा। गाँव के स्कूल में उन्होंने जो बढ़ईगिरी और लुहारी सीखी थी, अब वो बड़ी काम आई। कई बार जगदीश चंद्र अपने उपकरण स्वयं ही बना लेते। उनके शोध निबंध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपते रहते थे। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में भी उनका लेख छपा। उन दिनों ये बड़े सम्मान की बात थी। 1896 में
लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। जगदीश चंद्र के शोध के क्षेत्र थे विद्युत तरंगें और पौधों की संवेदनशीलता। उन दिनों अंग्रेजी शासन भारतीयों की प्रतिभा को उत्साहित नहीं करता था, फिर भी जगदीश चंद्र ने बेतार के यंत्र का कलकत्ता के टाउन हॉल में प्रदर्शन किया। बंगाल के गवर्नर भी वहां उपस्थित थे। अरे भाई कमाल हो गया था। अरे भाई ये तो जादू है, जादू एकदम जादू। हाँ, बोस साहब ने इस कमरे में बटन दबाकर दूसरे कमरे में विस्फोट कर दिया। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता। अजी ये सब विज्ञान का चमत्कार है। बिजली की तरंगें कुछ भी कर सकती हैं। अरे बोस साहब कह रहे थे कि इन तरंगों से संदेश भी भेजे जा सकते हैं। अरे हाँ हाँ, पहले देवता करते थे ना आकाशवाणी, वैसे ही। खैर भाई मजाक छोड़ो, प्रोफेसर बोस की ये खोज दुनिया को बदल डालेगी। हाँ, भारत का यश दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन वैज्ञानिक समाज ने बोस के आविष्कार पर ध्यान नहीं दिया। 1895 में इटली के इंजीनियर मार्कोनी ने बेतार के तार के आविष्कार को पेटेंट करवा लिया। आज यह आविष्कार उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जगदीश चंद्र बोस अपने काम में लगे रहे। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म रेडियो तरंगें यानी माइक्रोवेव उत्पन्न करने वाला एक यंत्र तैयार किया। उनके द्वारा तैयार यंत्र वेवगाइड आज इलेक्ट्रॉनिक और आणविक उपकरणों का महत्वपूर्ण भाग है। पेड़ पौधों की संवेदनशीलता मापने के लिए भी जगदीश चंद्र बोस ने कुछ उपकरण बनाए। उनका बनाया क्रेस्कोग्राफ पौधों की सूक्ष्मतम वृद्धि को भी माप लेता है। 10 मई 1901 को बोस ने लंदन रॉयल सोसाइटी में पौधों की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक प्रमाण दिखाया। रॉयल सोसाइटी के मेरे सम्माननीय साथियों, ये एक स्वस्थ पौधा है। यहाँ इस कागज पर ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये पौधे की धड़कन का ग्राफ है। आप देख रहे हैं पौधे से जुड़े इस कलम से ये ग्राफ बन रहा है। लुक, ग्राफ तो कुछ स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन के ग्राफ जैसा है। Exactly. एकदम नियमित, वेरी रेगुलर। अब मैं पौधे को जहरीले घोल से भरे इस बर्तन में रख रहा हूँ। पौधा तो ठीक ठाक दिख रहा है। प्रोफेसर बोस क्या साबित करना चाहता है तुम? Look at the graph. I can't understand. कलम कितनी तेजी से हिलकर ग्राफ बना रहा है। Oh God, poor thing. कलम ठहर गया। Oh no. साथियों, पौधा मर गया है। विष के प्रभाव से छटपटा दे पौधे की वेदना आप ग्राफ पर देख सकते हैं। Amazing. ये तो हैरानी की बात है। क्या हैरानी की बात? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पौधे महसूस भी कर सकते हैं। Oh, this can't be allowed. इस आदमी का लेक छापे नहीं जाने चाहिए। ये भौतिकी का प्रयोग कर रही है। पौधों पर प्रयोग का क्या मतलब? क्यों नहीं, क्यों नहीं छापे? I'll write to the Royal Society. मैं Royal Society को चिट्ठी लिखूंगा। Nonsense. Oh, yes, पौधों में जीवन है? उस युग के कई वैज्ञानिकों ने बोस के शोध का विरोध किया। रॉयल सोसाइटी ने बोस से अपने शोध पत्र में परिवर्तन करने को कहा। बोस ने मना कर दिया तो उनका शोध पत्र छापा नहीं गया। बोस बिना घबराए अपने शोध करते रहे। उन्होंने पौधों पर शराब और विष के प्रभाव के बारे में काफी शोध अध्ययन किया। बाद में रॉयल सोसाइटी ने उनके लेख छापे। उनका जो भाषण छापने से मना कर दिया था वो भी छापा। 1920 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया। पौधों की संवेदनशीलता के बाद
उन्होंने धातुओं की संवेदनशीलता की बात कही। उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण बनाया था जो रेडियो तरंगों का पता लगाता था। उन्होंने पाया कि लंबे अरसे तक काम करने पर उपकरण की संवेदनशीलता कम हो जाती है, जैसे थकने पर मनुष्यों की। लेकिन कुछ समय आराम करने के बाद उपकरण की संवेदनशीलता लौट आती है। आज कुछ उन्नत प्रयोगशालाएं पौधों की संवेदनशीलता, धातुओं की स्मृति और पानी की स्मृति का अस्तित्व सिद्ध कर चुकी हैं। बोस के जीवन काल में विज्ञान जगत जिसे स्वीकार करते झिझक रहा था, वो सत्य आज स्पष्ट हो गया है। 1917 में बोस ने अपनी कमाई के रुपए लगाकर कलकत्ता में बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। November 23, 1937 को भारतीय विज्ञान जगत के इस मनीषी की मृत्यु हो गई। जगदीश चंद्र बोस। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख मधु जोशी, विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा, राम मैनी, मंजू मैनी, राजेश आहूजा, सुरेंद्र कौशिक, ममता गुप्ता और यमन कौशिक, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग हरीश शर्मा, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।